मेरे लिए आज बहुत ही खुशी और गौरव का पल है कि आज SKT यूनिवर्सिटी में मुझे आने का यहाँ अवसर मिला, और एक ऐसा अवसर मिला कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं। पुनेश ने गोल्ड मेडल जीता ताइक्वांडो में, और हमारे बेटी तनेजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका स्वागत समारोह था, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं जो चाहता था, मेरा एक सपना था कि हनुमानगढ़ में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें स्पोर्ट्स की सभी फैसिलिटी उपलब्ध हो। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो SKT यूनिवर्सिटी है, इसमें स्पोर्ट्स का इतना अच्छा माहौल है, कई बार मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं बस जाऊँ और यहीं से ट्रेनिंग शुरू करूँ। अच्छा लगता है जब अपने एरिया में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट खुलता है। किसी ने सही बोला है कि जब आपका एक एरिया में बहुत अच्छा स्कूल खुलता है तो कई दारू की दुकानें बंद हो जाती हैं। वैसा ही ये है कि यहाँ पे एजुकेशन हब, स्पोर्ट्स हब सभी बन रहा है ये SKT यूनिवर्सिटी। मैं इनको, इनके परिवार को, यूनिवर्सिटी के परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपने SKT यूनिवर्सिटी के जो दो छात्र हैं, एक दिनेश कुमार जिसका अभी ताइक्वांडो में अंडर 68 जिन्होंने नेशनल गोल्ड मेडल है, और हमारी यूनिवर्सिटी की एक लड़की है तनुजा जिसने अंडर 38 में गोल्ड मेडल जीता। तो दोनों यूनिवर्सिटी आई थी और उनका स्वागत समारोह किया यूनिवर्सिटी का। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में रुचि रखनी चाहिए। मैं जैसा ग्राउंड को देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को देख रहा हूँ, मैं स्टेडियम के ग्राउंड को देख रहा हूँ, मंदिर के बच्चे बहुत कम पहुँच रहे हैं। मोबाइल्स की ये दुनिया से बाहर आना चाहिए और स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ बच्चों को ज़्यादा जाना चाहिए। और थोड़ा नशा सुनने में भी आ रहा है, दिख भी रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे शहर में फैल रहा है। अपने सभी में फैमिलीज़ को, सभी परिवारों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का पूरा देखभाल रखें और इस चीज़ से दूर रखें। हाय, मेरा नाम भूमेश कुमार मैथिल है। मैं एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ। मैं ताइक्वांडो 2015 से कर रहा हूँ, और मेरे कई सारे नेशनल्स में, स्कूल गेम्स में मेडल हैं, और अभी रिसेंटली मेरा सीनियर नेशनल में गोल्ड आया है जो नासिक में हुआ था। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी गोल पर फोकस रहिए, इधर उधर कम भटकिए, और अगर आप अपने पूरे दिल से, लगन से मेहनत करेंगे तो आप अपना गोल जरूर प्राप्त करेंगे। मेरा नाम तनुजा है और मैं ताइक्वांडो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और मैं SKT यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कर रही हूँ। मैं अभी हाल ही में मेरा सीनियर फर्स्ट नेशनल था, उसमें अंडर 62 के जी में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है जो कि पौंडीचेरी चेन्नई में हुई थी। और अभी हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल है जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। आई होप मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाऊँ। और मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरे पेरेंट्स का, मेरे कोचेज़ का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, और कॉलेज से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। थैंक यू SKT यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतने अच्छे से सपोर्ट दिया और भी इतने अच्छे से सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। मैं आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो युवा यूथ है हमारे, उनको यही बोलूँगी कि हमारा आजकल जो है, हम फ़ोन की साइड ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि हमें फ़ोन की साइड कम ध्यान देके हमारे फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। जिसका स्टडी में इंटरेस्ट है वो स्टडी में करो, जिसका स्पोर्ट्स में है वो स्पोर्ट्स में करो। अपना इंटरेस्ट देखो, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ो।